हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने बताया था आपको कि ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उससे संबंधित लेक्चर तैयार करेंगे, और ये लेक्चर इक्वली गुड टू ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी बुक्स ही होता है। तो नाउ कम टू द लेक्चर 8। In this lecture 8, we will discuss escape velocity, breathlessness, Kepler's law, geostationary and polar satellites, now so many questions are there बिफोर अस, जैसे कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून, चांद पे जीवन संभव नहीं है। उसी तरीके से जो भी स्पेस में स्पेसशिप होते हैं उसमें जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, कॉस्मोनॉट जो होते हैं, जो आदमी होते हैं स्पेस शटल में, वो भारहीनता का अनुभव करते हैं, स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। फिर आप देखेंगे कि सूर्य के चारों जो प्लैनेट्स मूव करते हैं उससे संबंधित कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, इस लॉज के तहत ही वो मूव करते हैं। और ये सारी के सारी जो सारी चीज़ें हैं वो किसी न किसी लॉज पे बेस्ड होते हैं। तो एक एक कर हम देखेंगे कि ये इससे संबंधित तथ्य क्या है और इस तथ्य का अप्लीकेशंस कहाँ और कैसे है। जैसे आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर, ये आप याद करेंगे इस पॉइंट्स को कि लिया ही है मैंने, इन कंसिडरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, कंजर्वेशन लॉज टू होल्ड गुड। नंबर वन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व्ड, राइट। मैकेनिकल मींस से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, माइंड इट। नेक्स्ट, द सेम थिंग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड टोटल कंजर्वेशन मस्ट होल्ड गुड इफ यू टॉक द मोशन ऑफ वन बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अनदर बॉडी। बट रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, याद रखेंगे। अगेन, किसी पिंड की गति की बात हम करते हैं किसी अन्य पिंड के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वैसे स्थिति में लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, जस्ट आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल लीड टू द केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द एरिया स्वेप्ट बाय द सो कॉल्ड द रेडियस वेक्टर, दैट इज द वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम द सन टू द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट ऑन द इलिप्टिकल पाथ मस्ट बी द सेम for equal interval of a time, right? The second Kepler's law of planetary motion. Now come to the first. So planetary motion, Kepler's law. I'm talking here the first law. First law ki baat karenge. And first law is also known as the law of orbit, right? Here this is the orbit. This orbit is elliptical. Kya hai ye? ये हम देख रहे हैं, ये ऑर्बिट जो है, दिस वन इज द इलिप्टिकल, राइट राइट। दिस इज द पोजिशन ऑफ द सन, सूर्य है ये, एंड नाउ दिस इज द इलिप्टिकल पाथ अलोंग विच द प्लैनेट मूव्स, राइट। दिस इज वन पोजिशन ऑफ द प्लैनेट विच इज कॉल्ड पेरिहेलियन, प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, एंड दिस इज अनदर पोजिशन ऑफ द प्लैनेट विच इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन कॉल्ड द एफेलियन, राइट। सो हियर एस सन, एस दिस इज सन, PO is equal to AO is equal to A, this
PO is equal to AO and this one is the A. This is called semi-major axis. And now this BO is equal to CO is equal to B, a small b. So BO is equal to CO is equal to a small b. This is called semi-minor axis B, right? And just I told you A, aphelion, and B, P, perihelion. Remember. Very clear? So here all planets move in elliptical path with the sun as the focus. सूर्य को फोकस मानकर जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सभी के सभी इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं. दिस इज द फर्स्ट केपलर्स लॉ. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑर्बिट, तो आप जवाब देंगे इलिप्टिकल, नॉट द सर्कुलर, याद रखेंगे. नेक्स्ट कम द सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया, राइट? व्हाट विल हैपन हियर लॉ ऑफ एरिया में? This is according to the angular momentum. Here क्या होगा? Angular momentum must be the conserved. यहीं पर क्या मैंने शुरू में मैंने कहा था कि conservation of angular momentum. And now the second law of the Kepler. किसके लिए? For the planetary motion. The second law में क्या होगा? Angular momentum conservation का पालन होगा. Remember. सवाल आ सकते हैं ये multiple choice में. ये second law क्या है? The radius vector from the sun to the planet swept equal area and equal time interval. That is the aerial velocity. Remember, aerial velocity of the planet around the sun is constant. See the diagram here, right? Say at some point of time, say this is the position of the planet. After some time, this planet comes here, right? This is the position, this is the radius vector. Very clear? Now what will happen, see here. This is the position, this will come this way and this will come this way, right? So during the time interval, planet moves from this to this. एक पोजिशन ही हुआ एरिया. आफ्टर सम टाइम से द प्लैनेट्स मूव्स टू दिस पोजिशन. इस पोजिशन पे आ गया प्लैनेट्स, यहां पे आप मिला देंगे. से द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम दिस पोजिशन, मतलब यहां से यहां तक आने में प्लैनेट को लगा एक मिनट, और यहां से यहां तक ऐसे पोजिशन वन, पोजिशन टू, पोजिशन थ्री, पोजिशन वन से टू तक प्लैनेट को जाने में लगा मान लिया जाए दो मिनट. एरिया ये कवर हुआ. और फिर क्या है, दो से तीन पोजीशन पर जाने में प्लैनेट को लगा उतना ही दो मिनट. तो ये एरिया कवर होगा, तो याद रखेंगे जो एरिया कवर होगा वो हमेशा सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा. एंड दिस इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी. एरियल वेलोसिटी फॉर द सेम टाइम इंटरवल मस्ट बी द सेम, सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा. यहीं पर आपने जो लिखा है यहाँ पर लिखा गया है सीयर कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉन्स्टेंट. एरियल वेलोसिटी मीन्स area by time, equal area in equal time interval. Next, third law, law of period. This states, ये कहता है ये कि t square varies as aq, t time period of revolution of the planet round the sun, a is the semi-major axis. Then the square of time period, time period of revolution of the planet round the sun is directly proportional to 3 power of the semi major axis. याद रखेंगे, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं t1 by t2, you can write a1 by a2 whole cube. ये expression काफ़ी important हो सकता है problem को solve करने में, याद रखेंगे. यहाँ लिखा भी गया t time period, time period का मतलब हुआ time taken by the planet to cover वन रोटेशन राउंड द सन. ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट. द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. नाउ लेट्स कम टू डिफाइन द एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी मीन्स क्या? नॉर्मली व्हाट विल हैपन इफ यू थ्रो द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ,
आफ्टर सम टाइम द बॉडी कम्स बैक, किसी पिंड को आप फेंकते हो पृथ्वी सतह से, कुछ देर के बाद पृथ्वी सतह पर वापस आ जाता है। मान लो कि आप ऐसे वेग से फेंको शोल्डर की बॉडी आई नहीं लौट करके, सॉरी वैसे वेग को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्लैंड वेग। याद रखें पृथ्वी सतह के लिए या किसी भी प्लैनेट के लिए हो सकता है, किसी सतह के लिए होता है, पृथ्वी सतह के लिए यदि किसी पिंड को किसी वेग से फेंका जाए और फेंकने पर वह पृथ्वी सतह पर लौट के नहीं आए, वैसे वेग को हम कहते हैं प्लैंड वेग। एंड दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही रीजन होता है कि चांद पे क्या है वायुमंडल नहीं होता है, देर इज नो लाइफ पॉसिबल ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द सर्फेस ऑफ द मून इज 5 times लेस देन दैट ऑफ द एस्केप वेलोसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है हमारा, देखिए अर्थ के लिए वो वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gme/re। जी क्या है हमारा, फिर मैं रिपीट करता हूँ, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67 × 10⁻¹⁷ राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर राइट। और एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर क्या है जी आर ई, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की जब हम बात करेंगे स्मॉल जी की तो ये 9.8 m/s². अगर हम जी के मान को रख दो और रेडियस ऑफ द अर्थ की मान को रख दो आर ई 6400 किलोमीटर अगर रख देंगे और तब वैल्यू निकालेंगे देन द एस्केप वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 11.2 km/s। तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी सतह के लिए प्लान वेग का मान जो होता है 11.2 km/s होता है। मीन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इफ यू इम्पार्ट वेलोसिटी 11.2 km/s टू एनी बॉडी एंड इट इज थ्रोन अवे द बॉडी विल नॉट कम बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वेयर एज हम ये देखें वीएम, वीएम मीन्स एस्केप वेलोसिटी फॉर द सर्फेस ऑफ द मून चांद सतह के लिए, इट इज वेरी स्मॉल 2.3 km/s नियरली सो कॉल्ड 5 times स्मॉलर, 5 times कम है वो, और इसलिए देर इज नो एटमोसफेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। नेक्स्ट कम टू द कम टू डिफाइन द टर्म वेटलेसनेस, हिंदी भी कॉल था भारहीनता। नॉर्मली आप वेट तभी एक्सपीरियंस करते हो जब सर्फेस का रिएक्शन होता है। हम जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, यू ऑल आर द सिटिंग हियर, तो आप वेट इसलिए अनुभव कर रहे हो क्योंकि पृथ्वी सतह की या जिस सतह पर तुम बैठे हो उसकी प्रतिक्रिया तुम्हारे ऊपर लग रही है। अगर वह सर्फेस रिएक्शन का मान 0 हो जाए तो वेट तुम्हारा नहीं होगा। मतलब इसको ऐसे यू कैन डिफाइन दिस वे, दिस वे यहाँ आई कैन टेक दिस नो प्रॉब्लम, से दिस इज द अर्थ सर्फेस पृथ्वी सतह है ये, और यहाँ पर की बॉडी है। नॉर्मली क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी नीचे काम करेगा, ये पता है हमको, डब्ल्यू इक्वल टू एम इनटू जी, एम किसी पिंड का पिंड की मात्रा है, और सरफेस का रिएक्शन जो होगा ये कहाँ लगेगा, इस सरफेस पर लगेगा, देख लीजिए इस पर लगेगा वेट ऑफ द बॉडी, और ये सरफेस बॉडी पर भी लगाएगा, ये बॉडी है हमारा, ऊपर तरफ लगाएगा एक बल जिसको कहेंगे आर, नॉर्मल रिएक्शन, क्या कहेंगे, अविलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा होगा आर, क्या है डब्ल्यू इज इक्वल टू आर, मीन्स आपका वेट जो है वह अविलंब प्रतिक्रिया के बराबर है। इन केस मान लेते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल मैंने बताया आर, मीन्स हम वेट तभी अनुभव करते हैं जब आर का वैल्यू होता है। इन केस आर इज जीरो देन व्हाट विल हैपन, डब्ल्यू विल बी जीरो। इसे याद रखेंगे बाय वेटलेसनेस वी मीन सरफेस रिएक्शन इज जीरो, सतह की प्रतिक्रिया जीरो है, तो क्या होगा भारहीनता। मीन्स किसी भी पिंड की वैसी अवस्था, इस अवस्था के लिए उस पिंड पर सतह के कारण कोई भी अभिलंब प्रतिक्रिया नहीं लगती हो। ये स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन देयर इज नो सरफेस रिएक्शन ऑन द बॉडी देन द बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। जैसे अगर हम क्या है कोई भी हमारा सेटेलाइट रहता है और सेटेलाइट मैन सेटेलाइट रहता है, सेटेलाइट के अंदर कोई आदमी होता है तो इट इज इन ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। कारण क्या है,
सेटेलाइट और प्लस आदमी उसके दोनों को दोनों क्या है वो यो फ्री फॉल की अवस्था में होता है। फ्री फॉल की अवस्था में होता है जिसकी वजह से क्या है वह भारहीनता का अनुभव करता है। यह मतलब नहीं है कि वहाँ पे फोर्स का मान कम है, रैदर वो आपका मुक्त रूप से गिरने की अवस्था में होती है। जैसे यहाँ पे बैक हो जाए हम, मैंने लिखा भी है कि एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रोनॉट किन्हें कहेंगे जो स्पेस में जाएंगे, पर्टिकुलरली जो अमेरिका से जो भी स्पेस साइंटिस्ट जाते हैं सेटेलाइट के अंदर वो एस्ट्रोनॉट्स कहे जाते हैं। और वन टाइम अनडिवाइडेड सो कॉल्ड USSR, अब तो रशिया है, तो वहाँ का जो सेटेलाइट में वहाँ के जो आदमी जाते हैं उसको कहते हैं नॉर्मली कॉस्मोनॉट। और दोनों क्या है स्पेस मैन है दोनों। तो यहाँ क्या है एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन स्पेस सेटेलाइट, वाई क्यों, इसका रीजन क्या है, दिस इज नॉट बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल इज स्मॉल एट दैट लोकेशन इन स्पेस, इट इज बिकॉज क्यों होता है, देख लीजिए मैंने अभी बताया बोथ द एस्ट्रोनॉट एंड द सेटेलाइट आर इन फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जो मैंने बताया आपको दोनों ही क्या है सेटेलाइट एंड ऑन एस्ट्रोनॉट, देख लीजिए एस्ट्रोनॉट एंड द सेटेलाइट आर इन फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। तो दैट्स व्हाई जो भी उसमें रहते हैं स्पेस मैन और भारहीनता की अवस्था उनकी होती है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे इसके आधार पे अभी चर्चा आई, ग्रेविटेशनल पुल की चर्चा आई, अभी आपको मैंने बताया कि प्लान बेग से, तो क्या है अगर किसी भी अगर बॉडी को अगर हम अगर सेटेलाइट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको प्लान वेग के बराबर वेग तो देना ही पड़ेगा पृथ्वी सतह से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस विल बी द बेसिस फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द सेटेलाइट। सेटेलाइट लॉन्च जो इसरो सेटेलाइट लॉन्च करता है, जब चंद्रयान थर्ड वाला की जो बात आ रही है अभी उसका फेब्रिकेशन हो चुका है, टेस्ट भी हो चुका है, तो ये सब क्या है ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है इसके वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सेटेलाइट लॉन्चिंग एंड फैब्रिकेशंस में। इसलिए इन आवर नेक्स्ट टॉक, चूँकि अभी आज चर्चा हमें करनी थी काइंड्स ऑफ सेटेलाइट सो कॉल्ड द जियोस्टेशनरी एंड पोलर सेटेलाइट्स, बट दीज टू थिंग्स विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट मीटिंग इन डिटेल। टिल नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर गिविंग मी पेशेंस लिसनिंग।